Good morning of all of you students. Today we are going to discuss the formation of ketone bodies and its utilization. आपके सिलेबस में जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है उसमें अपने को कीटोन काय या कीटोन पिंडों का निर्माण और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना है. तो जैसे आप देख सकते हो कि जो आपकी पहली वाली स्लाइड है उसमें भी ओवरऑल ये एक डायग्राम बनाया हुआ है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन द स्लाइड्स दैट वी आर गोइंग टू टेक अहेड. तो चलिए शुरू करते हैं कि कीटोन बॉडीज होती क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, सो लेट्स मूव. अब ये देखते हैं कि व्हाट आर द कीटोन बॉडीज. सो कीटोन बॉडीज जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि दीज आर द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. पहली बात कि दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड, देन ऑफ कोर्स एसिटाइल कोएंजाइम ए. लेकिन ये वाटर सॉल्युबल हैं और बेसिकली तीन तरह के कीटोन बॉडीज मिलते हैं. एसीटो एसीटेट, ये हम बार बार हम इस बात को दोहराएंगे, 5-हाइड्रोक्सीब्यूटरेट एंड एसीटोन. ये एसीटोन जो है ये एसीटो एसीटेट के ब्रेकडाउन से बनता है एंड सिंस ऑल दिस कंपाउंड्स आर हैविंग द कीटोन ग्रुप दैट्स व्हाई वी कॉल इट कीटोन बॉडीज. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो फूड इनटेक, मतलब ड्यूरिंग द टर्म ऑफ फास्टिंग. अगर कोई बहुत दिन से फास्टिंग कर रहा है, उपवास कर रहा है, कोई सत्याग्रह कर रहा है, कहीं धरने पे बैठा हुआ है, कहीं अनशन कर रहा है, या फिर उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है, देर इज नो कार्बोहाइड्रेट और द कार्बोहाइड्रेट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड इन द डाइट. स्टारवेशन, व्यक्ति कहीं ऐसी जगह पे फंस गया जहां पर किसी को खाना नहीं मिल रहा है दो तीन दिनों से, या फिर बहुत लंबे समय तक बहुत इंटेंस एक्सरसाइज की जिसकी वजह से कि बॉडी का सारा जो शुगर रिजल्ट था वो खत्म हो गया, एल्कोहलिक है व्यक्ति, या फिर वो डायबिटीज मेलाइटस यानी कि जो डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, इन दोनों कंडीशन में अगर डायबिटीज का पेशेंट है और वो अपना शुगर मॉनिटर नहीं कर रहा है और उसका शुगर बहुत ही हाई चला गया, से फॉर एग्जांपल 500-600 के आसपास, इन दैट केस. सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन इन विच यू कैन सी दैट द कीटोन बॉडी डेवलप्स और कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज इन लीवर ऑफ द बॉडी. कीटोन बॉडीज शरीर के यकृत में संश्लेषित हो जाते हैं. कीटोन बॉडीज आर रेडली ट्रांसपोर्टेड इन टू टिश्यूज आउटसाइड द लीवर. ये होता है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया बिफोर हैंड, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. लीवर से ये फिर बाहर निकल जाते हैं और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं. एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको पता है कि जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था तो उससे पहले ग्लाइकोलिसिस हुई थी, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बने थे जो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के साइट्रिक एसिड बनाता था. ये सारी हम जानते हैं. एंड इन दैट वे व्हेन द एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स इन द क्रेब साइकिल इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है. टीसीए साइकिल तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक एसिटाइल कोएंजाइम ए उस साइकिल में नहीं एंटर होगा, राइट. उसी प्रकार से ब्रेन में, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन सीधे फैटी एसिड को नहीं लेता बल्कि वो कीटोन बॉडी से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना करके और फिर वो फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस करता है. व्हाट आर द कीटोन बॉडीज एंड द यूज ऑफ कीटोन बॉडीज इन साइट्रिक एसिड साइकिल मैंने बता दिया. स्टारवेशन जैसे डायबिटीज होता है तो उसमें ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो ग्लूकोज बनाने में काम आ जाता है स्टार्विंग के टाइम में. तो उस समय क्या होता है कि जब ओए ज्यादा वहां यूज हो जाएगा तीन दैट वे क्या होगा कि फिर ये उतना सारा जो रॉ मटेरियल चाहिए अपने क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए वो नहीं मिल पाएगा
और फिर अगर सारा का सारा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वही यूज हो गया ग्लूकोज बनाने में, तो फिर जब वो नहीं रहेगा तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम में जाके जुड़ेगा किससे, और फिर वो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कैसे होगी? इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट फैटी एसिड आर देन यूज्ड टू मेक कीटोन बॉडीज, एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कीटोन बॉडीज आर एसिटो एसिटेट 5-हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट्स एंड गैस दिस एसीटोन एज सच. नाउ कीटोन बॉडीज आर द फ्यूल सोर्सेस. लीवर, जैसे मैंने कहा कि लीवर इज द मेजर सोर्स ऑफ द कीटोन बॉडीज, ये ब्लड में चले जाते हैं. दूसरे टिश्यूज में जो कीटोन बॉडीज होते हैं दे फर्स्ट गेट कीटोन बॉडी, जैसे एसिटो एसिटेट सपोज बन गया, देन द एसिटो एसिटेट इज फर्स्ट एक्टिवेटेड इन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर उसके बाद वो दो एसिटाइल सॉरी क्या कहते हैं उसको, इसको एसिटो एसिटेट में कोएंजाइम ए जाके जुड़ जाएगा एंड फिर वो स्प्लिट होकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा. आगे हम रिएक्शन को देखेंगे. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसका मेन है, मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है इस पूरे प्रोसेस का, जो कीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है. अब देख आपको ये पता है कि ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड बनेगा, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जुड़ करके फिर एक सीधा सीधा, ये तो सबको पता है, वी ऑल आर नोइंग सिंस क्लास 9th और 10th, राइट. उसी तरह से एमाइनो एसिड है वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बदलते हैं, जो फैटी एसिड है वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बदलता है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फैटी एसिड सिंथेसिस में यानी कि लिपोजेनेसिस में ही भाग लेता है. फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड भी बनते हैं जैसे यहां लिखा. लेकिन एक जो व्हाट वी आर स्टडिंग हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए. हम एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो कीटोन बॉडी का निर्माण हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं यहां पे. सो ये देखिए वही साइकिल है जो मैंने कहा था भी आपको कि ऑक्जेलो एसिटेट जो है अल्टीमेटली जब शुगर की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ स्टारवेशन या डायबिटीज के केस में भी होता है कि वहां शुगर बहुत ज्यादा होता है, फिर जो कोशिकाएं हैं ना बहुत हाई शुगर को इनटेक करने में दिक्कत करती हैं, फिर उनको एनर्जी के सोर्स के लिए कुछ और चाहिए होता है, फिर वहां ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो एनर्जी बनती है उससे ये काम लेते हैं. बट ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाएगा और फिर फॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसको ग्लूकोज में बदल देगा. तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सारा का सारा ऑक्जेलो एसिटेट यूज हो जाएगा तो फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर ये को एक ऑक्जेलो एसिटेट मिलेगा नहीं सो दैट ये साइट्रिक एसिड बना सके और क्रेब साइकिल को आगे चला सके. इन दैट केस ये क्रेब साइकिल की क्रिया रुक जाएगी और फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है ये तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में काम आएगा या फिर ये सारा कीटोन बॉडी बनाने वाले पाथवे पे चला जाएगा. सो दिस इज एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है. इससे कोएंजाइम ये देखिए दो हैं, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर के पहले एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, फिर उसे 3-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल-ग्लूटराइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर से एसिटो एसिटेट बनता है, फिर इससे 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटरेट और एसीटोन ये बनते हैं, ठीक है. तो देखिए अब ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए. When the fatty acid oxidation produces more acetyl coenzyme A than the capacity of the TCA cycle, यानी Krebs cycle की capacity से ज्यादा अगर acetyl coenzyme A बनेंगे, और ये बनते हैं कब बनते हैं, जब व्यक्ति starve कर रहा होता है, अनशन कर रहा होता है, बहुत strenuous exercise करता है, या फिर diabetes का patient होता है. In that case क्या होता है कि जो diabetes के patient में sugar इतनी high जब हो जाती है तो फिर वहां भी एक शुगर की कमी महसूस होती है. वो क्यों होती है उसका कारण अलग है, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि क्योंकि वो शुगर यूज नहीं हो रहा एनर्जी के लिए तो फिर फैट मोबिलाइज होने लगते हैं. फैट मोबिलाइज होंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को भी खपाने की टीसीए साइकिल में जाने की कैपेसिटी है. फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस कंडीशन में जो ऑक्जेलो एसिटेट है उस वो ग्लूकोज बनाने में काम आ जाता है, तो उतने ऑक्जेलो एसिटेट नहीं होते सो दैट कि वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिल सके.
सो जब ये टीसीए की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है दैट गोज इनटू द पाथवे ऑफ प्रोड्यूसिंग कीटोन बॉडीज, और इसमें एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, कीटोन बॉडीज है, और इस एसीटोन भी बनता है। ये देखिए ये पामिटाइल कोएंजाइम ए ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड का हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस एंटर्ड इन द क्रेब्स साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल, बट व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम ए आर प्रोड्यूस्ड मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द साइट्रिक एसिड साइकिल और द अमाउंट दैट साइट्रिक एसिड साइकिल कैन यूटिलाइज, तो उसके बाद क्या होगा जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनेगा, जो सरप्लस है, वो फिर कीटोन बॉडीज बनाता है। कीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस दैट हैपन्स इन द लीवर सिंस द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कीटोजेनेसिस आर अवेलेबल इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर। ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो एंजाइम होता है जिसकी वजह से कि कीटोजेनेसिस संभव है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अगर लीवर में हाई हो जाए तो कीटोजेनेसिस की क्रिया यानी कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन की क्रिया होगी। इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कीटोन बॉडीज जो है वो ग्लूकोज को रिप्लेस कर देते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, खासतौर से ब्रेन में, हार्ट में और मसल्स में। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, या जब ग्लूकोज का सप्लाई बिल्कुल बंद हो गया हो शरीर में तो, या फिर डायबिटीज की कंडीशन हो तो। ये नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज का, ये भी कीटोन बॉडीज के निर्माण में, अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है इन दैट कंडीशन भी क्या होता है, कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट को जो नैसर्गिक रूप से शरीर के मेटाबॉलिज्म में मौजूद है उसको लेने से मना कर देती है और फिर कीटोन बॉडीज का वहां भी निर्माण होता है। तीन कीटोन बॉडीज स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एसीटोन आप सबने सब जा सारे जानते हैं, एसीटो एसिटेट एसीटोन का ही डेरिवेटिव है, और बेसिकली अगर आप दो एसिटाइल एसीटोन को मिला दें या दो एसिटाइल कोएंजाइम ए को मिला दें तो उससे भी एसीटो एसिटेट बनता है। फिर दूसरा है हाइड्रोक्सीब्यूटरेट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, यहां देखिए इसकी संरचना ये है। तो ये तीन प्रकार के मेजर तीन प्रकार के कीटोन बॉडी हैं, आपको याद रखना चाहिए। पहला एसीटो एसिटेट एक नंबर पे तो ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे एसीटोन है। एसीटोन एसीटो एसिटेट के ही ब्रेकडाउन से बनता है। यहां एक चीज और लिखी हुई है, इस पे ध्यान दीजिए आप कि ब्रेन ऑक्सीडाइजेस कीटोन बॉडीज बट नॉट फैट। ब्रेन में फैट यूटिलाइज नहीं करता, वो सिर्फ कीटोन बॉडीज को ही यूटिलाइज करता है एनर्जी सोर्स के लिए, जो कि दूसरे टिश्यूज ये फैट और कीटोन बॉडीज दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। वहां ऑक्सीडेशन की मतलब कीटोन बॉडीज का जो निर्माण होता है वो तो लीवर में होता है, लेकिन उसको ब्रेन जो होता है फैट से एनर्जी नहीं ले सकता, उसको कीटोन बॉडी चाहिए। तो देखिए कीटोजेनेसिस क्रिया, पहला स्टेप है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स कंबाइंड इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय थायोलेज। देखिए एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, दूसरा ये थायोलेज रिएक्शन की वजह से क्या बन गया यहां पर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये चार कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बन गया। दूसरे में फिर क्या होगा कि यहां पर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो निर्माण हुआ इसमें एक तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए और लग जाएगा, और फिर यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ये एचएमजी जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए है, इसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है। ये चार कार्बन तो यहां था और एक यहां पर क्या कहते हैं कि और एसिटाइल कोएंजाइम ए और भी लग जाएगा एक, और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि यहां पर ये छह कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट, क्योंकि दो कार्बन एक इससे आ गया इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से, तो छह कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बना जिसका नाम है थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए। फिर ये जो थ्री हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए है ये एचएमजी कोएंजाइम ए लाइज नाम के एक एंजाइम की वजह मदद से क्या होता है
ये कन्वर्ट हो जाता है। पहले जो बना था वो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ये था, ये एसिटोएसिटेट बना है। सो दिस HMG-COA से एसिटाइल कोएंजाइम एक रिमूव हो जाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूस वन ऑफ द मेजर कीटोन बॉडीज। ये सेंट्रल पॉइंट सारे मेटाबॉलिज्म का एसिटाइल कोएंजाइम ए है, लेकिन जो कीटोन बॉडी जो तीनों तरह के बनते हैं उसका जो मेन पॉइंट है वो एसिटोएसिटेट है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एसिटोएसिटेट से एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, इससे क्या बना हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। तो एक कीटोन बॉडी ए, दूसरा कीटोन बॉडी ए, चौथे स्टेप में क्या हुआ एसिटोएसिटेट प्रोड्यूस इज रिड्यूस टू 3-hydroxybutyrate। वो गलती से मैं एक बार पहले 5-hydroxy बोल गया, 3-hydroxybutyrate होता है। उसके बाद 3-hydroxybutyrate जो है वहां पर क्या होता है कि 3-hydroxybutyrate जब बनेगा तो ये NADH डिपेंडेंट रिएक्शन है और वहां एक NADH2 का लॉस हो जाएगा। लेकिन यही क्रिया अगर हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट से एसिटोएसिटेट बना रहा है तो तब हमें इसका गेन हो जाएगा। ठीक है, तो 3-hydroxybutyrate एंड एसिटोएसिटेट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन द लिवर सेल। अब ये दोनों कीटोन बॉडीज बनते तो लीवर में है, फिर वो लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से निकल करके लीवर की कोशिकाओं में जाते हैं, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, रक्त प्रवाह में चले जाते हैं और रक्त प्रवाह में जाकर के पूरे शरीर में चले जाते हैं। उसी प्रकार से एक जो तीसरा जो कीटोन बॉडी है जो मैंने आपको पहले बताई एसीटोन है, ये जो एसिटोएसिटेट के ब्रेकडाउन ये ब्लड स्ट्रीम में होता है, ब्लड में एसिटोएसिटेट का ब्रेकडाउन हो जाता है स्पॉन्टेनियस, एक सर्टेन टेम्परेचर का कंडीशन होता है, यहाँ पे एंजाइम लगता है एसिटोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेज और इससे क्या हुआ कि एसीटोन बन गया। अब एसीटोन जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर सीवियर डायबिटीज है तो एसीटोन जाकर के लंग्स में जमा होता है और लंग्स में जमा होने के बाद वो एक तो ये यूरिन में आने लग जाता है, अगर बहुत दिन से आदमी भूखा है स्टार्व कर रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर डायबिटीज का मरीज है इसका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है चाहे बिना इलाज के या इलाज के, इन दैट कंडीशन क्या होता है कि जो एसीटोन बॉडी या कीटोन बॉडी जो होते हैं ना वो तो यूरिन में आने लगते हैं। दूसरा एसीटोन जो है ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, आपको पता है ये जब लंग्स में जमा हो जाते हैं तो आदमी की जो सांस में इसका ऑर्डर आता है, इसकी इसकी महक आती है, जैसे फ्रूटी स्मेल जो एसीटोन की है वो सांस में आने लगती है कि आदमी जब सांस छोड़ेगा तो लगेगा जैसे कोई फलों से आने वाला जो या फल जैसे सड़ते हैं उस समय जो गंध आती है एसीटोन की गंध, आपने लैब में जरूर सूंघा होगा कभी, तो उसकी गंध आने जो फ्रूटी स्मेल अगर सांस से आने लगे दैट कुड बी द केस ऑफ द एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी और द प्रोसेस ऑफ कीटोजेनेसिस दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी। और ये दो कंडीशन में हो सकता है, स्टार्विंग में बहुत दिन से आदमी भूखा है शुगर नहीं ले रहा है या फिर जो सीवियर डायबिटीज के केस, ये सारा का सारा प्रोसेस यहां पर जो मैंने आपको बताया वही रिएक्शंस यहां दोबारा एक पाथवे में दिखाया हुआ है। इसको आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लेना इस स्लाइड को रोक करके अपने जब वीडियो आप देखें। उसके बाद तीसरी चीज होती है कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस की जो क्रिया होती है देखिए सबसे पहले क्या होता है मतलब ये कीटोन बॉडीज का टूटना, कीटोन बॉडीज कन्वर्ट होते हैं किसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोएसिटेट। पहला स्टेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट जो एक कीटोन बॉडी था ये एसिटोएसिटेट में बदला, फिर जो एसिटोएसिटेट है वो सक्सनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम लेकर के और यहां पर एंजाइम का नाम है बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, इससे एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और इससे फिर थायलेज जो है वो क्या करेगा जिससे पहला रिएक्शन जो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन का था जब दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर के एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, तो यहां वही रिएक्शन उल्टा चला और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बन गए दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गए ये थायलेज से बने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कीटोन जो है ये एनर्जी सोर्स कैसे हैं। जब दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बने बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट से
तो उसमें से एक आपको पता है कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब साइकिल में जाएगा तो वो तीन एनएडीडीएच, दो एसएडीएच2 और दो जीटीपी बनाएगा। अगर हम दो एसिटाइल कोएंजाइम की एक ही बात करें तो ये संख्या डबल हो जाएगी, मतलब छह एनएडीएच, दो एसएडीएच2 और दो जीटीपी, या इसका इक्विवेलेंट टू एटीपी। अब जब पुराने, जैसे पहले हम जोड़ते थे कि एक एनएडीएच से तीन एटीपी प्राप्त होते हैं और एक एफएडी से दो होते हैं प्राप्त, तो उस कंडीशन में देखें तो हमें कुल मिलाकर के 24 एटीपी मिलेगा, क्योंकि 6 या 18 एटीपी इससे, फिर 2 गुना 4 एटीपी इससे और 2 एटीपी यहां से। लेकिन जो नया कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पे, क्योंकि इसमें 18 नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे 15, ठीक है, इससे क्या बनेंगे 15 और इससे बनेंगे 3, क्योंकि एक एफएडीएस से डेढ़ ही बनता है और एक एनएडीएस से ढाई बनता है और दो यहां से आ गए, तो कुल मिलाकर के ये 20 बनेंगे। जो नया कैलकुलेशन, नया जो एक एनर्जेटिक्स जो देखा गया है क्रेब साइकिल के द्वारा, ने स्टडी की गई है, मैंने आपको क्रेब साइकिल में बताया है। तो इस प्रकार से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कन्वर्ट होता है, मतलब एसीटोन कीटोन बॉडी से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली एन देते हैं। अब कीटोसिस क्या होता है कि अगर कीटोन बॉडीज का निर्माण ज्यादा तेजी से हो रहा है, मतलब जो यूटिलाइज जितना कीटोन होना चाहिए एनर्जी प्रोसेस में उससे ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो वो एसीटोन में बदलता है और ये पेशेंट के ब्रेथ में आ जाता है, मैंने कहा। तो उससे क्या होता है कि ये अगर यूरिन में कीटोन ज्यादा हो गया तो कीटोन यूरिया कहलाएगा, और अगर ब्लड में है ज्यादा कीटोन तो उसको कीटोनेमिया कहते हैं। ये दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन है, रोग वाले कंडीशन है और इसका इलाज चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। इसमें कीटो एसिडोसिस एक चीज, एक टर्म है। अब एसिडोसिस क्यों, क्योंकि जो दोनों कीटोन, जो कीटोन बॉडी है, अब देखिए हाइड्रोक्सीब्यूटरेट और एसिटोएसिटेट, इन दोनों में एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा एसिडिक होगा। तो जब कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसमें ब्लड का कार्बोहाइड्रेट कार्बोनेट डिप्लीट हो जाता है और ब्लड का पीएच ड्रॉप हो जाता है, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाएगा। और अगर ये लंबे टाइम तक कीटो एसिडोसिस रहा, यही देखिए कारण होता है कि कीटोन बॉडी ज्यादा होने के कारण कीटो एसिडोसिस की समस्या हो सकती है। इससे ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, ब्लड एसिडिक हो जाएगा। ब्लड वैसे बफर का काम करता है अपने आप, एक पीएच उसका मेंटेन रहता है, लेकिन अगर ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी कोमा में जा सकता है और डेथ हो सकती है, और अक्सर ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब कीटोसिस का कारण क्या हुआ कि जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और लिपोलाइसिस तेज हो, ये स्टार्वेशन से हो सकता है, ज्यादा फैटी खाना खाने से हो सकता है, या फिर क्या कहिए, पैथोलॉजी डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, जब डायबिटीज मेलाइटस होता है तो उसमें क्या होता है ना कि ग्लूकागॉन जो होता है ये बढ़ जाता है और इंसुलिन घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर इंसुलिन घटने के कारण ये होता है कि इसमें लिपोलाइसिस की क्रिया तेज हो जाएगी और फ्री फैटी एसिड ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, और फिर वो लिपोलाइसिस के कारण बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा और जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड ज्यादा बनेगा, तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए भी ज्यादा बनने लग जाएंगे और फिर वो टीसीए की साइकिल से ज्यादा हो जाएगा और इन दैट कंडीशन कीटोसिस की क्रिया होगी। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ कीटोजेनेसिस एंड कीटोन बॉडीज। तो ये वैसे तो मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप कम से कम तीनों कीटोन बॉडीज के स्ट्रक्चर, इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है और किस काम में आते हैं, इतना जरूर पढ़ लेवें। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।